कानून ध्यान आ रहा है, ठेका ध्यान आ रहा है। ठेकेदार साहब आपने कहा कि लठ ले आओ और गुंडागर्दी की बात की, मेरा है सिक्योरिटी का काम और मेरे ख्याल से पूरे भारत में फैला हुआ है मेरा। आपका तो महेंद्रगढ़ एरिया में सोली के आप हो, आपको चैलेंज करता हूं, गुंडागर्दी में आना चाहते हो तो गुंडागर्दी में आओ। ये जिस दिन वो बोल के गए कि मैं तो ऐसे हाथ करके बोला था मैं तो यहीं खोल लूंगा, उसने आज से पहले ये क्यों नहीं कहा कि यहां मैं कोई कोचिंग सेंटर खोलूंगा ताकि कॉलोनी के लोग बच्चे आकर के पढ़े, यहां कोई मैं ट्यूशन का काम करूंगा, कोई बाहर से लोग आएंगे टीचर वो यहां पढ़ाएंगे, हम जमीन और देते एक आदमी। अरे गांव किस बात की बात कर रहे हो आप, गुंडागर्दी की बात कर रहे हो ठेकेदार होकर के। और दूसरी चीज, इतनी बड़ी संस्था बच्चों को गुंडागर्दी सिखा रहे हो। इन्होंने कहा कि बच्चों को जर्नल वो बनाया, अपने बेटे को बनाओ ना जर्नल कर्नल। जी साहब बताएं, यहाँ सांकेतिक जो धरना दिया जा रहा है इसमें आप समर्थन देने के लिए पहुँचे भी हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? ये सांकेतिक धरना जो होता है ना, एक संकेत देने के लिए होता है, चाहे वो कभी सरकार का हो, विपक्ष का हो, या जिसके भी हम खिलाफ दे रहे हैं उसका हो। तो फिलहाल राव बहादुर ठेकेदार जी के लिए ये सांकेतिक धरना है और मेरे ख्याल से पिछले 30 या 40 साल से लगातार बहादुर ठेकेदार ठेकों का काम करते हैं। हो सकता है कहीं विरोध हुआ होगा, कहीं कोई बात हुई होगी, किसी को ले दे के, किसी को डरा धमका के उन्होंने बैला के बैठा दिया होगा। अब यहाँ मामला आया कि यहाँ पर हम जिस दिन पहले तो बता रहे थे टीम आई है, उसके बाद खुद आवेश में भर के और जो पीछे घमंड रहता है ना पैसों का जोड़े में, उसका घमंड लेकर के खुद पहुंच गए। जिस प्रकार की तानाशाही, जिस प्रकार की उसने रूपरेखा, यहाँ शब्दों का प्रयोग और बुजुर्गों और महिलाओं के साथ बातचीत करने का तरीका, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगले को 30 साल तक कोई राम विहार कॉलोनी जैसा मिला नहीं था। अगर वो पहले मिल जाते तो उनके शब्दों की वो प्रयोग नहीं होता, वो बड़ी शालीनता से काम करते, बड़े प्यार से बात करते, क्योंकि उससे पहले किसी ने विरोध नहीं किया, और विरोध किया होगा तो वो शांति से बैठ गए होंगे। राम विहार कॉलोनी जैसे सच्चाई के साथ लड़ने वाले लोग नहीं थे, अगर वो पहले मिल जाते तो आज नौबत नहीं आती। दूसरी चीज, जब राम विहार कॉलोनी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने शब्दों का आचार विचार किया, उसके बाद 2 दिन बाद एक इंटरव्यू आता है कि जी मेरे को माफ़ करो। तो ये अगर यही चीज़ पहले हो जाती तो माफ़ी तो जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो बोलता ही नहीं कुछ। दूसरी चीज़, माफ़ी मांग ली उन्होंने शब्दों के विचारों की, लेकिन एक ग्रुप के चेयरमैन होने के नाते उनकी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं, उनके हजारों बच्चों का भविष्य है, उनके हिसाब से उनको माफ़ करना सही नहीं समझता मैं। और एक जहाँ शिक्षा का काम चलता है वहाँ शिक्षित लोग रहते हैं, यहाँ खूब शिक्षित लोग भी बैठे होंगे, मास्टर सब बैठे हैं, ये लोग बच्चों को क्या पूरे समाज को भी शिक्षा देने का काम करते हैं। और परवीन भाई खुद उस स्कूल में पढ़ा है, कल मैंने परवीन भाई का एक इंटरव्यू देखा था, मेरा खुद का सीना चौड़ा हो गया कि अगर 12वीं की सर्टिफिकेट मेरी भी यदवंशी है तो मैं परवीन के साथ खड़ा मिलूं। उसका कारण क्या है कि बच्चे जागरूक हैं। बहादुर ठेकेदार जी, अभी मैं पूरे स्कूल वालों से, एपी से, सूरज से, आरपीएस से, मॉडर्न से, भारतीय से, कपिल से, टैगोर से, सरस्वती स्कूल से, श्री कृष्णा स्कूल से, इनके मालिकों के पास आज ही मिलके आऊंगा, चाहे ये कहीं पर भी हो, और इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अगर हम बच्चे निकाल करके कुछ आपके पास भेजते हैं, यदवंशी से निकाल करके और आपके पास भेजते हैं, तो क्या पीछे की फीस माफ हो जाएगी और आगे बच्चों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो? 10वीं 12वीं के तो होंगे नहीं, क्योंकि वो फार्म भर चुके होते हैं। बाकी जितने भी बच्चे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताता हूँ
इन स्कूल वालों से पहले मिल के आऊंगा मैं, क्योंकि फोन पे बात करना और एक आमने सामने बात करना, और कोशिश करूंगा मेरे साथ कुछ लोग अपने राम विहार कॉलोनी से भी चले, ताकि उनको एहसास भी हो कि किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है, सारे कॉलोनी वाले और समाज मिलकर कर रहा है। अगर स्कूल वाले मान जाते हैं तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम अगले सेशन में करेंगे, तो वो हम अभी से शुरू कर देंगे। दूसरी चीज, ठेके का जो काम होता है, ठीक है स्कूल में आपकी किस्मत थी, आपका नाम हो गया महेंद्रगढ़ के टाइम पे, जब यहाँ पर आप हाफ पैंट में हाथ जोड़ते घुटनों के बल गिरते गिरते लोगों से बच्चों को मंगवाने की बात की थी, उस टाइम कहते किसी महिला को, किसी हमारी बहन बेटी को कि मत भेजना बच्चों को, फिर वो उसी टाइम जवाब देती, राज पता चलता ये जो बिल्डिंग खोल रखी है ओयो खुलता या तुम्हारे बच्चे आते, ओयो जो अब आया है ना तुम उससे पहले ही खोल देते तुम्हारी, क्योंकि सोच वैसी है। ठेकेदार की बात आई कि भाई हम ठेके का इधर उधर, ये ठेका मेरे ख्याल से पहले सरकारी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने जो ये वाला है भैंसों वाला और गौशाला के थोड़ा सा आगे उस रोड पे था, तो वहाँ भाई ना तो कोई कॉलोनी आगे पीछे, तो वहाँ से यहाँ लाने में आपको क्या तकलीफ है, वहाँ से यहाँ ले जाने में आपको क्या तकलीफ है, लेकिन वहाँ से यहाँ लाते हो तो जो तकलीफ है उसको आप महसूस नहीं कर रहे। आप एक इंटरव्यू में कह रहे हो कि जी कोई नौबत आई या कोई अड़चन हुई, कोई हादसा हुआ तो हम दोबारा से मतलब उसको तुरंत बंद कर दूंगा। बाद ठेकेदार जी, ये सब कॉलोनी के लोग बैठे हैं, माता बहन जी बैठी हैं, सारे बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बड़ी प्रॉब्लम और क्या आएगी? आज हादसे का इंतजार कर रहे हो, किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी आदमी के साथ कोई हादसा हो जाए, उस हादसे का इंतजार कर रहे हो क्या कि वो हादसा हो तब मैं आऊं हीरो बन करके, मैंने तो क्लोज करना है। मेरी भादर ठेकेदार जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपको दो दिन लगा लो, चार दिन लगा लो, जो भी कॉलोनी डिसाइड करेगी, अगर आपको ये ठीक लगता है कि यहां से हटा करके कहीं कर देते हो तो मैं कॉलोनी वासियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, चलो बुजुर्ग आदमी था कुछ बोल गया तो ठीक है, एक बार आप यहाँ आकर के इनके पास चाय पी जाना, ठेके को बदल देना, आपका हम विरोध बंद कर देंगे। माला डाल के दूसरा प्रवीण भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई सर्टिफिकेट ना फूकी जाए, डिग्री ना दी जाए। इसके लेकिन कुछ महिलाओं ने कहा है कि हम माफी नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर कोई शिक्षण संस्थान खोले जिससे बच्चों का भला हो, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं उसी चीज पे आ रहा था, ये जिस दिन वो बोल के गए कि मैं तो ऐसे हाथ करके बोला था मैं तो यहीं खोलूंगा, उसने आज से पहले ये क्यों नहीं कहा कि यहाँ मैं कोई कोचिंग सेंटर खोलूंगा ताकि कॉलोनी के लोग बच्चे आकर के पढ़े, यहाँ कोई मैं ट्यूशन का काम करूंगा, कोई बाहर से लोग आएंगे टीचर वो यहाँ पढ़ाएंगे, हम जमीन और देते? उसने ये क्यों नहीं कहा कि यहाँ पर आपके लिए कोई ऐसी धार्मिक स्थल की अच्छी चीज बनाएंगे ताकि यहाँ के बुजुर्ग और महिला शाम सुबह उसमें आराम से अपना भजन कीर्तन कर सकती हैं? ये चीजें उसको ध्यान नहीं आई, उसको ओयो रूम ध्यान आ रहा है, ठेका ध्यान आ रहा है। ठेकेदार साहब, आपने कहा कि लठ ले आओ और गुंडागर्दी की बात की, मेरा है सिक्योरिटी का काम और मेरे ख्याल से पूरे भारत में फैला हुआ है मेरा, आपका तो महेंद्रगढ़ एरिया में सोली के आप हो, आपको चैलेंज करता हूं, गुंडागर्दी में आना चाहते हो तो गुंडागर्दी में आओ। एक आदमी, अरे गांव किस बात की बात कर रहे हो आप, गुंडागर्दी की बात कर रहे हो ठेकेदार होकर के, और दूसरी चीज इतनी बड़ी संस्था बच्चों को गुंडागर्दी सिखा रहे हो। इन्होंने कहा कि बच्चों को जर्नल वो बनाया, अपने बेटे को बनाओ ना जर्नल कर्नल, अपने बेटे को बनाओ, खुद क्यों नहीं बना? मेरा बाबा एक एक्सपायर हो गया, वो कहता था, बोला भाई वो बहादरियों कहते हो, बोला भाई वो बहादरियों मेरी प्याज और मैं छाए और रोटी ले जाया करते स्कूल में, तो मेरी प्याज चोर चोर के दोपहर में जब वो खाना को टेम रहा जब वो खाया करते, तो प्याज खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी और तुम जर्नल कर्नल बनाओगे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ जो भी है उन्होंने डिस्कशन किया तो उसमें बताया कि जो जो मंदिर है वो भी वहां से दूर है, स्कूल भी जो है वो भी 100 मीटर से ज्यादा दूर कॉलोनी के अंदर है। एक मैं बात बताऊं आपको, ये जो घमंड में चूर है ना, एक लालू यादव जी ने मोदी जी के लिए बोला था कि मोदी जी जरा धीरे बोलो वरना यहाँ की नस फट जाएगी, और जैसे ही राम विहार कॉलोनी में आया और वो बोल के गया और उसके बाद का जो प्रकरण था और इंटरव्यू देखा तो आपने देखा होगा 4 सेकंड में एक नाम को 4 बार बोला है उसने, कभी जी लगा रहा है, कभी वो बोल रहा है, कभी वो बोल रहा है, तो कहने का ये मतलब है कि नस फट चुकी है,
और अगर अब आपने टाइम से उस नस का इलाज नहीं करवाया तो ये पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। मेरे पास भी मैसेज आए हैं, बोले भाई प्लीज आप तो विरोध ना करो। मैं क्यों ना करूं भाई, सच्चाई एक ऐसी चीज होती है जो पालता है ना वो सबसे बड़ा करोड़पति अमीर होता है। सच्चाई पालने वाले का जिगरा चाहिए होता है। कोई बोले ना बोले, भादर ठेकेदार को मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, ठेका बदल लो वरना तीसरे दिन उरे ही खड़ा रो गई है मेरी गारंटी से। और इब का बोल के दिखाइयो। बात करें पक्ष विपक्ष की, वैसे राजनीतिक लोगों का जो है यहाँ के जो प्रतिनिधि है उनकी तरफ से भी कुछ इस प्रकार के बयानबाजी नहीं है खास। देखो विपक्ष और पक्ष तो है।